दोस्तों बैटल में जाने से पहले वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर राजपूत जो होते थे वो अपने घोड़ों को हाथी की सूंड लगाते थे। इनमें से एक द ग्रेट महाराणा प्रताप भी हैं, जिन्होंने अपने घोड़े चेतक पर हल्दीघाटी के युद्ध में सूंड लगाया था। पर ऐसा क्यों? क्या राजपूतों के पास हाथी नहीं थे? बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि राजपूत अपने घोड़ों को सामने लड़ रहे हाथियों के बराबर दिखाना चाहते थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शायद आपको पता होगा कि ये वॉरियर्स अपने शार्प माइंड की वजह से भी जाने जाते थे, और वो अपने घोड़ों पर हाथी की सूंड इसीलिए लगाते थे ताकि दुश्मनों के जो हाथी थे वो घोड़ों को बेबी एलिफेंट समझकर उन पर हमला ना करें और ऐसे वो हाथी की स्टंपिंग से बच पाएं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें।